आज बहुत मन तकलीफ है, बहुत मन में तकलीफ है, बहुत कष्ट में है हम। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? लोग बोल रहे हैं कि मेरा हम गाना गाए थे, चुरा के खेसारी लाल यादव जी से गवा दीजिए, गवा दिए अखिलेश कश्यप जी। सही बात बोल रहे हैं आप। मेरा लिखा हुआ गाना, और मैं इतना दिन से चुप था, और मैं अपने आज तो इंसानियत पर से ही भरोसा उठ गया है। यहाँ इंसानियत नहीं है, कोई इंसानियत की वजूद नहीं है, और मैं अब चुप नहीं रहूँगा ना, क्योंकि मैं बहुत चुप हो गया, बहुत दिन से चुप था। देखता है, सहते है, बर्दाश्त करते है, बर्दाश्त की भी हद होती है। अभी आ रहा है हमारा गाना, रिलीज हुआ खेसारी भैया का, फिर गाना छोड़े हैं गोरी तोर चुनरी बटू करके रितेश पांडे जी। अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं। बोल रहे हैं लोग कि अभी मैं उनका देख रहा हूँ स्टेटमेंट चारों तरफ फेसबुक पे कि अखिलेश कश्यप चुरा लिए मेरा गाना, स्टूडियो में आके चुरा के गवा लिए। मैं अब बोलता हूँ ना, देखिए ये आदिशक्ति का ऑफिस है, ये देख रहे हैं ना, ऑफिस में हम बैठे हुए हैं अपने आदिशक्ति ऑफिस में। इधर कैमरा भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इधर वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। यहीं पे आके बैठे थे रितेश पांडे जी, हमारे जो कंपनी के मलिकार थे मनोज मिश्रा जी, तो वो मुझे ट्यून बताए इतने दिन से। मेरे पास तो सारा सबूत है, आप किस चीज़ का बात कर रहे हैं? आप अपने दिल से पूछिए कि हेलो कौन, आपको कौन मैटर दिया था? हेलो कौन का मेरे पास भी है। कौन दिया था आपको? अगर इतना दिन से गाना नहीं लिख रहे थे आप लोग, जब हम एंट्री किए तब आप गीत और संगीत दोनों लिखने लगे, आपका गाना आ गया। हेलो कौन, हम भेजे रितेश पांडे जी को, मैंने दिया था गाना, भेजा, फिर भी मैं चुप रहा, बर्दाश्त करते गया, हद होती गई, फिर भी मैं चुप रहा। हमारे हमको क्या जरूरत है? हमको तो बस नाम ही की ना जरूरत है, हमको कोई पैसा थोड़ी देता है। मेरा मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके सबको गाना देते हैं, और मेरा कोई नाम ही नहीं दे उसमें। इतना दिन से आशीष वर्मा जी आप गाना नहीं लिख रहे थे, अब आप गाना लिखने लगे, गीत संगीत देने लगे, और आप लोग को इसी आईडी पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ जो भी है। और ये इसका अभी वीडियो क्लिप भी है हमारे पास कि गाना कौन लिखा था और क्या है। हेलो कौन को भी आप सबके बीच में भेज रहा हूँ मैं कि आप क्या किए हैं हमारे साथ, फिर भी मैं आप और गाली दे रहे हैं आप लोग मुझे। एक तो चोरी भी किया, ऊपर से गाली भी दे रहे हैं हमको। धन्य है वो माँ जो आप लोगों को जन्म दी, आप लोग जैसे पुत्र को, वो भी खुशी होगी कि कितने बढ़िया बेटा पैदा किए हैं। उस माँ को भी प्रणाम है। आप जैसे नालायक लोगों पे गाली दे रहे हैं मुझे फेसबुक पे, तो कोई बात नहीं है, दीजिए। हेलो कौन का भी मेरे पास है, आप सबको मैं अभी इसी फेसबुक पे डालता हूँ। मैं भी वो गाना जो भेजा था वो भी है, और गोरी ये जो लखनऊआ वाला गाना है खेसारी भैया का, ये भी हमारे पास है, पूरा कंपोजिशन गाना सब कुछ है हमारे पास, तो ये भी आप लोगों के पास चला जाएगा फेसबुक के माध्यम से। आप लोग देख लीजिएगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप लोग पब्लिक जो है ना, आप लोग भगवान हैं, आप लोग हम हमारी क्या औकात है? हमारे जैसे ऐसे कितने गरीब राइटर हैं, कितने कमजोर लोग हैं जिसको दबा देते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। हम बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है ना, हम तो आप लोग को बताएंगे ना, क्योंकि आज मैं गलत साबित हो रहा हूँ ना। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं ये गाना चुरा के लिखा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि गाना आशीष वर्मा लिखे हैं। इतना दिन से आप नहीं लिख रहे थे, अभी आप लिख रहे हैं, चलिए तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, तो आप सरस्वती माँ के पुत्र हैं, आप सरस्वती माँ का कसम खा के, और एक बार बोलिए कि आपने वो गाना लिखा है, आप वो गाना लिखे हैं ना। अगर आपके अंदर इंसानियत है, बस एक बार सरस्वती माँ का कसम खा लीजिए और बोलिएगा कि वो गाना आप लिखे हैं, मैं मान जाऊंगा। उस दिन मैं हार जाऊंगा, अखिलेश कश्यप उस दिन हार जाएगा, जिस दिन आप माँ सरस्वती का कसम खा लेंगे कि आप वो कंपोजिशन लाए थे,
आप वो गाना लिखे थे, मैं खुद ही ये ट्रेड छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो अगर आपके अंदर सरस्वती माँ का भी कोई इज्जत नहीं है तो कोई बात नहीं है, पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक को सब कुछ पता रहता है, लेकिन ये लोग सब लोग हैं ना जो ये देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, और मेरे पास सारा सबूत है, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं करता हूँ ना। हम जो गाना भेजे थे आप लोग को डेट भी दिखेगा कि किस डेट को गाना दिया गया है, किस डेट को गाना उनको मैं भेजा था, वो है हमारे पास, सब कुछ है, कहाँ से चोरी की बात कर रहे हैं। हमारा गाना हेलो कौन का भी हम भेजे कि भैया ये गाना ये टिकटॉक पे वायरल हुआ है, ये गाना देखिए मैं इस पे लिख के भेजता हूँ, वो सब हमारे पास है, इसको गा अभी से। अब हमारे साथ ही ऐसा अन्याय होने लगा है, आज अखिलेश कश्यप इतना, जब हमको क्या चाहिए, हमको आप देता है कोई, हम तो नाम के लिए ही ना मरते हैं, राइटर हो, हम लोग तो इसी के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात आदमी मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करता है आदमी इस ये सोच से कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारा बच्चा बाल बीवी सब लोग अच्छे, हम लोग को ये, आप स्टार हैं, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को स्ट्रगल करना है, हम लोग गरीब घर के लड़के हैं, आप बहुत अमीर हो चुके हैं, आप लोग किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, और कितना बर्दाश्त करेगा कोई, बर्दाश्त की भी हद होती है। क्लियर करने की कोई बात नहीं है, क्लियर यही है कि ये मेरा लिखा हुआ गाना था, मैं सुनाया था उनको, पर जब मुझे पता उस गाने में मेरा नाम जब नहीं गया, मेरे गाने में नाम लोग नहीं दे रहे थे, और मैं पर्सनली बोला कि मेरा उस गाने में नाम रहे, हमारे साथ हेलो कौन भी भेजे तो उसमें भी वही था कि जब चला गया मैटर तो उसके बाद कुछ और निकला, फिर भी आदमी बर्दाश्त किया, और इस गाने में भी वही हो रहा था, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोले कि नहीं, तो हम खेसारी भैया को फोन किए, भैया एक गाना लिखे हैं आप गाइएगा, तो बोले कि हाँ बाबू, बोले भैया कि हमारा नाम रहेगा तो अब देंगे, बोले कि अरे पगले हम सारे राइटर को इतना ही प्यार देते हैं, ये कैसे बोल रहे हो, भेजो, हम भेजेगा ना, हमको गाली दिलाया जा रहा है फेसबुक पे, सब लोग बोल रहे हैं कि आशीष वर्मा की स्टूडियो में जाते हैं चुरा, अरे सब माता रानी है, माँ विंध्यवासिनी है, सब उन्हीं पे है, मुझे फोन करके इतना टॉर्चर किया जा रहा है, सब भगवती माँ देखेंगे, हम तो मेरा क्या औकात है, मेरा कुछ औकात नहीं है, आप लोग गाली दे रहे हैं हमारी माँ आपकी माँ, मैं तो हमेशा, हम लोग तो भाई ही हैं, हम तो कभी माँ को माँ ही बोलते हैं, मुझे माँ की गाली दिया जा रहा है, मुझे इतना फोन आ रहा है चारों तरफ से, चलिए सब भगवान है देखता है, माँ विंध्यवासिनी है वही देखती हैं, वही करेंगी जो इंसाफ करना होगा, आप सब सब हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद, मैं बस यही बोलूंगा कि ये जो गाना अभी छूटा है ये गाना किसका है, और इसमें कौन धुन बनाया, कौन कंपोज किया, ये मैं आशीष भैया को भी बोल रहा हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट से अभी भी बोल रहा हूँ, आप माँ सरस्वती का कसम खा के बोलिए कि आपने धुन बनाया था, मैं मान लूंगा, उस दिन मैं ये ट्रेड छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कदम, मेरा दूर दूर तक और भी कमाने का जरिया है, मैं किसी के यहाँ मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं कभी गाना नहीं लिखूंगा, क्या आपने ये गाने का धुन बनाया, आपने ही गाना लिखा था,
चलिए अच्छी बात है, जो हो रहा है आप कीजिए। आज बहुत मन दुखी है। सब भगवान है, वही माता रानी इंसाफ करेंगे। और हम एक जाति से ब्राह्मण है, इतने तो हमारे पास ना रुपया है, ना धन है, ना दौलत है। बस मैं यही बोलूंगा कि आप कसम खा के बताइए कि आप ही ये गाना लिखे थे, और आप सरस्वती माँ का कसम खा लीजिए मैं ये ठेठ छोड़ दूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं इस इंडस्ट्री में कभी लात नहीं लगाऊंगा, मैं लाइव में बोल रहा हूँ। बस माँ सरस्वती का कसम खा लीजिए कि आपने ये गाना लिखा था और आपने इस गाने का धुन बनाया, कंपोज किया, आप ही किए थे सब। मैं कभी लाइन में नहीं आऊंगा। बर्दाश्त की हद होती है, जब इंसान चुप है, बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बोलने का कोई पाबंदी है, हम बोल नहीं सकते हैं। मुझे भी आज़ादी है। कब से मेरे पास फोन करके गाली दिलाया जा रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, फोन बंद करके रख रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं लोग। चलिए एक तो गलती भी कीजिए और ऊपर से ब्लैकमेल भी कीजिए, चलिए अच्छी बात है। ये सब समय है, सबको दिल से धन्यवाद। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। सत्य को प्रॉब्लम होती है लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। हाँ मैं परेशान जरूर हो जाऊंगा, मुझे गाली देंगे लोग, मुझे मरवा दीजिए आप, मुझे कटवा के फेंका दीजिए, मुझे मार के फेंक दीजिए, कटवा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। यही ना करेंगे आप, जब गाली दिलवा सकते हैं, फेसबुक पे डलवा सकते हैं। मैं आपके स्टूडियो में बैठ के वहाँ पे मोबाइल फेसबुक चला रहा था, टेबल पे शराब का गिलास रखा हुआ था, उसका फोटो डलवा के और बोल रहे हैं कि दारू पीता है मेरे पैसे से, मेरे यहाँ आके खाता है, मेरे यहाँ रहता है। अरे ऐसा नहीं था, आप शायद वो भी दिन भूल गए जिस दिन मैं आपको, आप लोगों को आखिर क्या ऐसा हुआ कि मैं आपसे दूर हो गया। इस बात पे आप लोग भी चिंतन कीजिएगा, आपने क्या किया है हमारे साथ। कोई भी मैटर दिमाग में आता था तो पहले आप ही के पास भेजता था हमारे लिए सब, लेकिन आप लोगों ने ये सब जो किया, ये अंदर से मन बहुत तकलीफ में है, मैं बहुत दुखी हूँ आप लोग का ये रवैया देख के। समय सबको दिल से धन्यवाद, आप सबों को, आप सब इस भाई पे अपना साथ बनाइए, साथ दीजिए, क्योंकि मेरा तो बस यही है एक फेसबुक, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ नहीं, मैं लाइव आ जाऊंगा। और जो भी है, हमको तो उतना बोलने भी नहीं आता है, जो सत्य है मैं वो बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे एक्टिंग करने आती है, मैं हीरो हूँ। जो सत्य है, आज मन बहुत तकलीफ में है कि सत्य हार रहा है और असत्य जीत रहा है। एक सत्य नजरों के सामने कैसे गिर रहा है, असत्य पराजित हो गया, किया जा रहा है, हो तो नहीं सकता है ना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। आज मैं बहुत अंदर से तकलीफ में हूँ और मेरे, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सब भाई हैं हमारे, बहुत प्यार करते हैं उनको। सत्य और असत्य का जीत आप लोग कीजिएगा, मेरा बस आशीष भैया आपसे एक ही बात है, एक बार आप दिल से, आप भी बहुत
गाना हिट दिए हैं आप बहुत, लेकिन अभी ही आप राइटर बन गए हैं, अभी ही आप गाना लिखने लगे, इससे पहले आप गाना कभी नहीं लिखते थे। कोई बात नहीं, अभी आप कंपोज भी की दिए, गाना भी लिख दिए, तो सब भाई हैं हमारे, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग पे है सब कुछ, आप लोग डिसाइड करेंगे क्या सच है और क्या झूठ है। और सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। और इस लाइव को आप सब इतना दूर तक फैलाइए, सबको पता चले, क्योंकि सबको पता चले, सब लोग भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं, सब लोग हमारे, आप सब ऐसे ही भाई का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सबको लव यू, प्रणाम, जय माता दी, लव यू। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।